Hi kids, welcome to your English class. And I'm your teacher and mentor Ananya, and we are doing the series of Literary Journeys, an English reader book by Brain Root Publications. So today we shall start with chapter number 5 of this book. And the title of the chapter is The Story of My Life, Helen Keller. So basically, aaj hum Helen Keller ke bare mein padhenge. Helen Keller kyun famous hai? Kyunki वो पहली ऐसी महिला हैं या पहली ऐसी इंसान हैं जो सुन नहीं सकती और देख भी नहीं सकती, ठीक है, लेकिन वो बहुत अच्छे से जो है पढ़ लिख सकती हैं। ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्या हुआ उनकी लाइफ में कि उन्होंने अपने सुनने और देखने की शक्ति खो दी, और बाद में कैसे वो आगे पढ़ लिख कर फेमस हुई, वही हम आज पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर वी प्रोसीड लेट्स डू अ क्विक एक्सरसाइज। मोस्ट फेमस ऑफ हर पर्सनल ट्रिम्प ओवर द लिमिटेशंस ऑफ बोथ ब्लाइंडनेस एंड डेफनेस, हेलेन केलर वाज वन ऑफ द 20th सेंचुरीज लीडिंग एडवोकेट्स फॉर इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज। तो हेलेन केलर खुद देख नहीं सकती थी, सुन भी नहीं सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया कि बाद में आगे चल के उन्होंने एडवोकेसी की, और किसके लिए, जो डिसेबल्ड पीपल होते हैं, ठीक है, जो किसी वजह से शारीरिक रूप से संपूर्ण नहीं होते, ऐसे लोगों के लिए यानी विकलांग लोगों के लिए उन्होंने एडवोकेसी की। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट हर। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ बायोग्राफी एंड एन ऑटोबायोग्राफी। चिल्ड्रन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब होता है जब कोई हमारी लाइफ की कहानी लिखे, ठीक है, यानी कोई हमारी लाइफ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाए और हमारी लाइफ के जो घटनाएं हैं उसको एक कहानी के रूप में लिखे, दैट इज़ कॉल्ड बायोग्राफी, जिसको हम जीवनी बोलते हैं हिंदी में। और ऑटोबायोग्राफी इज़ व्हेन वी आवर सेल्फ राइट द स्टोरी ऑफ आवर लाइफ, यानी अगर हम खुद ही अपने जीवन की सारी घटनाओं को एक कहानी के रूप में लिखेंगे तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑलराइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बायोग्राफी। माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, स्टोरी ऑफ माझी द माउंटेन मैन। इनमें से ये दोनों, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ एंड डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ये दोनों बायोग्राफीज नहीं हैं, ये ऑटोबायोग्राफी है, जबकि स्टोरी ऑफ अ माझी द माउंटेन मैन ये एक बायोग्राफी है, क्योंकि ये कहानी किसी और ने किसी और के बारे में लिखी है, ठीक है, लेकिन माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ एंड डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ये दोनों ही लेखक जो है, लेखकों ने अपनी जीवन की घटनाओं को जो है खुद से लिखा है। जैसे फॉर एग्जांपल, अ डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ये एनी फ्रैंक की डायरीज के पेजेस से कंपाइल करके उनके जीवन के ऊपर एक किताब लिखी गई है, ठीक है। सो इन दिस वे, इफ़ somebody राइट्स देयर ओन स्टोरी इन देयर ओन हैंड राइटिंग और इन देयर ओन वर्ड्स, देन इट इज़ नोन एज ऑटोबायोग्राफी, ठीक। कैन यू नेम एनी स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट और म्यूजिशियन हु इन स्पाइट ऑफ ग्रेट हैंडीकैप रोज टू फेम। ऐसे किसी स्पोर्ट्स पर्सन के नाम, किसी म्यूजिशियन का नाम, किसी डांसर का नाम आप बता सकते हैं जिन्होंने अपनी बाधाओं को पीछे छोड़ते हुए बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया हो। डू यू नो somebody? तो अगर हम बात करें, देन ऐसा जो पहला इंसान है वो कौन है, वो है फेमस, आपने सुधा चंद्रन का नाम सुना होगा, शी इज़ अ वेरी फेमस डांसर। बचपन में एक एक्सीडेंट में उनके जो है पैरों को एम्प्यूट करना पड़ गया था, यानी पैर काटना पड़ गया था, उनका एक बस एक्सीडेंट हुआ था जिसमें वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गई थी, घायल हो गई थी, और उनके जान बचाने के लिए उनका एक पैर जो है अलग करना पड़ा था उनकी बॉडी से, लेकिन फिर भी उन्होंने फोर लिम्स यूज़ किए, जो आर्टिफिशियल फुट होता है वो लगवाया जयपुर में जाकर, और उसके बावजूद वो आज एक सफल डांसर हैं। ऑलराइट, ऐसे ही कई लोग हैं जिन्होंने हैंडीकैप होने के बावजूद अपना नाम देश विदेश में फेमस किया है, यानी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं। स्टीफन हॉकिंग, वो भी चल फिर नहीं सकते लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा
पॉपुलर हैं, ऐसे कई लोग हैं आप पता कर सकते हैं. ऑल राइट, फाइंड आउट द नेम्स ऑफ फाइव स्पोर्ट्स पर्सन इन ऑफ इंडिया हु हैव रिटन देयर ऑटोबायोग्राफी, ऑल्सो राइट द नेम्स ऑफ देयर बुक्स. ये काम आपको खुद करना है. आपको इंडिया में पांच स्पोर्ट्स पर्सन के नाम लिखने हैं जिन लोगों ने बेसिकली क्या किया है, जिन लोगों ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है यानी अपनी जीवनी खुद लिखी है, और आपको उन किताबों के नाम भी लिखने हैं. ओके, सो दिस इज़ टू बी डन बाय यू ऑल. आप रिसर्च कीजिए और ये लिस्ट प्रिपेयर कीजिए. तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हेलेन केलर के बारे में जानना. लेट्स स्टार्ट विद अ चैप्टर टू नो मोर अबाउट हेलेन केलर. It is with a kind of fear that I begin to write the history of my life. I have, as it were, a superstitious hesitation in lifting the veil that clings about my childhood like a golden mist. तो हेलेन केलर जब किताब लिखती हैं तो वो शुरुआत करती हैं कि आज मैं अपनी जीवन की कहानी सबके सामने सुनाने जा रही हूँ या सबके सामने लाने जा रही हूँ, लेकिन ये करते वक्त कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा हिचकिचाहट है क्योंकि आज तक मेरा जीवन सिर्फ मेरे जो जानने वाले हैं उन लोगों को ही पता था. मैं कैसी हूँ, मैंने क्या क्या परेशानियाँ झेली हैं या मेरा लाइफ कैसा रहा है वो सिर्फ मेरे बहुत करीबी लोगों को पता है, लेकिन आज जब मैं अपने जीवन के बारे में लिखूँगी तो मेरी जीवन पर से पर्दा उठ जाएगा और सब लोगों को मेरी हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा. The task of writing an autobiography is difficult one. When I try to classify my earliest impressions, I find that the fact and fancy look like across the years that link the past with present. Besides, many of the joys and sorrows of childhood have lost their poignancy, and many incidents of vital importance in my early education have been forgotten in the excitement of great discoveries. So Helen Keller likh rahi hain, आज जब मैं अपने जीवन को लिखने बैठी हूँ, जब उसको पन्नों पे उतारने बैठी हूँ, तो ये कोई आसान काम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता चला गया है, कई सारी खुशियाँ भी हैं, कई सारे दुख भी हैं जो मेरे जीवन को घिरे हुए हैं. इसके अलावा कई सारी ऐसी यादें हैं जो धीरे धीरे समय के साथ साथ धुंधली होती चली गई हैं, शायद मुझे उनके बारे में बहुत अच्छे से याद नहीं है. पुरानी बचपन की छोटी छोटी यादें, हर एक बात मुझे याद नहीं है. कई ऐसे किस्से हैं जो सिर्फ एक धुंधली सी याद बन के रह गई है, जिनके बारे में मैं चाहकर भी विस्तार से नहीं बता सकती. इन ऑर्डर देयरफॉर नॉट टू बी टीडियस, आई शैल ट्राई टू प्रेजेंट इन अ सीरीज ऑफ स्केचेस ओनली द एपिसोड्स दैट सीम टू मी द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट. तो हेलेन कहती हैं, और इसीलिए मैं अपने जीवन की सिर्फ वही घटनाएं इस किताब में लिखना चाहूँगी जो मुझे बहुत अच्छे से याद है या जिन किस्सों का मेरी लाइफ में बहुत बड़ा एक पार्ट है या बहुत बड़ा हिस्सा है या बहुत बड़ा योगदान रहा है. ठीक है, यानी ऐसे कुछ किस्से, ऐसे कुछ पोर्शंस मेरी लाइफ के जिनको मैं जब भी याद करती हूँ, जो मुझे हमेशा याद रहते हैं, और जब भी याद करती हूँ वो मुझे कहीं ना कहीं इंस्पायर ही करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. आई वॉज बॉर्न ऑन जून 27, 1880. तो मेरा जन्म कब हुआ? मेरा जन्म जून 1880 में हुआ. इन टस्कम्बिया, अ लिटिल टाउन ऑफ नॉर्दर्न अल्बामा इन USA. तो उनका जन्म जो है टस्कम्बिया में, जो कि नॉर्दर्न अल्बामा US यानी यूनाइटेड स्टेट्स में एक जगह है, वहाँ पर हुआ था. बिकॉज दे वर सेटल्ड देयर, क्योंकि वहाँ पे वो लोग सेटल थे. माई ग्रैंड फादर कैस्पर केलर सन एंटर्ड लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड इन अल्बामा एंड फाइनली सेटल्ड देयर. आई हैव बीन टोल्ड दैट वंस अ ईयर ही वेंट फ्रॉम टस्कम्बिया टू फिलाडेल्फिया ऑन द हॉर्स बैक टू परचेज सप्लाइज फॉर प्लांटेशन. And my aunt has in her possession many of the letters to his family, which give charming and vivid account of these trips. तो हेलेन अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए बोलती है अपने एंसेस्टर्स के बारे में कि मेरे जो पूर्वज हैं यानी मेरे दादाजी, वो बेसिकली कैस्पर केलर के बेटे थे. ठीक है, और उन्होंने जो है बहुत सारी ज़मीनें खरीदी थी और इन ज़मीनों में वो प्लांटेशन करते थे, और साल में एक बार
शहर से काफ़ी दूर दूसरे शहरों में से सामान लाने के लिए जाते थे इन प्लांटेशंस के लिए, और अपनी जर्नी में जो जो वो देखते थे वो आकर घर वालों को बताते हैं। तो मेरी जो आंट है यानी मेरी जो बुआ हैं, उन्होंने इन सभी लेटर्स को जिसमें उनकी जर्नी की सारी डिस्क्रिप्शंस हैं उनको बहुत सुंदर तरीके से सहेज के रखा है, संभाल के रखा है। और उन चिट्ठियों को पढ़ने से हमें एक बहुत खूबसूरत जर्नी का आभास होता है, यानी उनकी यात्रा के दौरान जो जो अच्छी अच्छी चीज़ें उन्होंने देखी हैं सब कुछ उन चिट्ठियों में लिखा हुआ है। माय फादर आर्थर एच केलर वाज अ कैप्टन इन कॉन्फेडरेट आर्मी एंड माय मदर केट एडम्स वाज हिज सेकेंड वाइफ एंड मेनी इयर्स यंगर। अब हेलन बताती हैं कि मेरे पिता कैप्टन आर्थर आर्मी में काम करते थे, और मेरी जो माता है केट एडम्स वो मेरे पिता की दूसरी पत्नी है, ठीक है, और वो मेरे पिता से काफ़ी ज़्यादा छोटी थी, यानी उम्र में काफ़ी छोटी थी। I lived up to the time of the illness that deprived me of my sight and hearing in a tiny house consisting of a large square room and a small one in which the servants slept. It is a custom in South to build a small house near the homestead as an annex to be used on occasion. तो हेलेन कहती है अगर मेरी बचपन की यादों में और गहराई से मैं झांकूं तो फिर मुझे कुछ दिन वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उसके बाद तो मेरी आंखों की रोशनी ही चली गई, लेकिन मैं जन्मांध नहीं थी, मतलब मैं जन्म से अंधी नहीं थी। जब मैं पैदा हुई थी तब मैं सुन भी सकती थी और देख भी सकती थी, और थोड़ा बहुत समय जितना मैंने देखा या सुना या महसूस किया उस समय की अगर मैं डिस्क्रिप्शन करूँ तो मेरा घर एक बड़ा सा कमरा था मेरे घर के अंदर, और साथ ही में लगा हुआ एक और छोटा कमरा था जिसमें सारे सर्वेंट्स और नौकर चाकर रहते थे। द लिटिल पोर्च वॉज हिडन फ्रॉम द व्यू बाई द स्क्रीन ऑफ येलो रोजेज एंड सदर्न सिमिलैक्स। इट वॉज द फेवरेट हॉन्ट ऑफ हमिंग बर्ड्स एंड बीज। और उनका कहना है कि उनके घर के चारों तरफ बहुत सारे सुंदर सुंदर क्लाइंबर्स, क्रीपर्स और पेड़ पौधे थे, जिसकी वजह से हमेशा ही घर के इर्द गिर्द जो है हनी बीज और जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स यानी पक्षी, मधुमक्खियाँ, बटरफ्लाइज, इन सब का आना जाना लगा ही रहता था। द केलर होमस्टेड वेयर द फैमिली लिव वॉज अ फ्यू स्टेप्स अवे फ्रॉम अवर लिटिल रोज ब्रावर। इट वॉज किल्ड आईवी ग्रीन बिकॉज द हाउस एंड द सराउंडिंग ट्रीज एंड फेंसेज वर कवर्ड विद ब्यूटिफुल आईवी इंग्लिश। सो हेयर चिल्ड्रन देयर इज अ मिस प्रिंट, इट वॉज कॉल्ड आईवी ग्रीन। उनका जो घर था उसको आईवी ग्रीन बोला जाता था, क्यों? क्योंकि उसके अंदर सारे जो हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रीपर्स थे, सारे डिफरेंट काइंड ऑफ आईवी क्रीपर्स थे। आईवी इज़ अ काइंड ऑफ प्लांट, ठीक है, बड़ा खूबसूरत सा पौधा होता है जो कि क्लाइंबर की तरह उगता है दीवारों पर चढ़ता हुआ, ठीक है। तो वो जो आईवी फ्लावर्स थे और आईवी प्लांट था चारों तरफ वो थे, एंड दैट इज़ वाई इस ओल्ड फैशन गार्डन की वजह से ही उनके घर को आईवी ग्रीन बोला जाता था, ठीक है। इट्स ओल्ड फैशन गार्डन वॉज द पैराडाइज ऑफ माई चाइल्डहुड। और ये जो गार्डन था ये मेरे लिए किसी जन्नत से कम नहीं था, बचपन में मैं घंटों इस गार्डन को ही देखती रहती थी। Even in the days before my teacher came, I used to feel along the square stiff boxed hedges and guided by the sense of smell would find the first violets and lilies. There too, after a fit of temper, I went to find comfort and hide my hot face in the cool leaves and grass. अब हेलेन का कहना है जब धीरे धीरे मैंने अपनी जो है सुनने की और देखने की शक्ति खो दी, और जब मैं खुद को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, अपनी भावनाएं लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाती थी, तो जाहिर सी बात है कि मुझे बहुत गुस्सा आता था, मैं बहुत झुंझला उठती थी, और कई बार जो है झुंझलाहट में मैं सबके साथ गुस्से से बिहेव करती थी, रूड हो जाती थी। और अपना गुस्सा शांत करने के लिए मैं कई बार इन जो पेड़ पौधे हैं इनकी खुशबू सूंघते हुए उस गार्डन में पहुंच जाती थी, और वहां पे बैठ के उन पत्तों को पकड़ के टच करके उन्हें फील करती थी, उनकी ठंडक को फेस पे लगा के हाथ पर रख कर महसूस करती थी और अपना गुस्सा जो है शांत करती थी।
What a joy it was to lose myself in the garden of flowers, to wander happily from spot to spot until coming suddenly upon a beautiful vine. I recognized it by its leaves and blossoms and knew it was the vine which covered the tumble-down summer house at the farther end of the garden. So, मैं क्या करती थी, घंटों उस गार्डन में इधर उधर भटकती रहती थी, उसके पेड़ पौधों को टच करके खुश होती थी. टच से ही मुझे पता चलता था, छूकर मैं महसूस करती थी कि कितने सारे कलरफुल फ्लावर्स खिले हैं. उनकी खुशबू को मैं अपने अंदर समा लेती थी ताकि मुझे बहुत अच्छा महसूस होता था. मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे आसपास हरे भरे पेड़ हैं जो कि मुझसे कुछ बात करने की कोशिश कर रहे हैं. But the roses were the loveliest of all. Never have I found in the garden greenhouse of the north such heart-satisfying roses as the climbing roses of my southern home. They used to hang in the loose festoons from our porch, filling the whole air with their fragrance, untainted by any earthy smell. And in the early morning, washed in dew, they felt so soft, so pure. I could not help wondering if they did not resemble the asphodels of God's garden. तो केलर बोलती हैं कि इन सभी पेड़ पौधों से मुझे बहुत प्यार था, लेकिन सबसे सुंदर और सबसे पसंदीदा थे मेरे रोज़ फ्लावर्स. जैसे रोज़ के फूल हमारे गार्डन में उगते थे, मुझे नहीं लगता कि वैसे खूबसूरत फूल और कहीं उगते हों. और ये जो फूल हैं ये इतने सारे उगते थे कि हमारे गार्डन में जो हमारा बरामदा था वहाँ अगर मैं कोई कभी कोई बैठ जाए या मैं ही बैठ जाऊँ तो सारा जो हमारा बालकनी या बरामदा था वो इनकी महक से भर उठता था. मतलब कोई भी बाहर से आकर अगर पोर्च में बैठेगा या बरामदे में बैठेगा तो उसको इन गुलाबों की खुशबू आएगी और जितनी भी परेशानियां हैं, थकान है, स्ट्रेस है, वो बिल्कुल दूर हो जाएगा. और अगर विंटर्स की बात करें, यानी जब ओस गिरती है, ओस की बूंदें, तो क्या ही कहना. ये जो ओस की बूंदें हैं ये रोज़ पेटल्स पे गिरने के बाद उन्हें और सॉफ्ट और ज़्यादा ताज़ा बना देती हैं और इनकी खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देती हैं. तो मुझे नहीं लगता कि इतने खूबसूरत जो गुलाब के पौधे और भी कहीं होंगे पूरे हमारे शहर में. बल्कि मुझे उन पौधों से इतना प्यार था कि कभी कभी तो मुझे लगता था कि उनकी खूबसूरती किसी भी दूसरे फूल को टक्कर दे सकती. यहाँ तक कि केलर का मानना है कि शायद ये गुलाब के फूल बिल्कुल भगवान के गार्डन में जैसे स्वर्ग में फूल होंगे उनकी तरह ही होंगे. तो इतने खूबसूरत और इतने प्यारे लगते थे उनको ये गुलाब के फूल. द बिगनिंग ऑफ माई लाइफ वॉज सिंपल एंड मच लाइक एवरी अदर लिटिल लाइफ. आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड एज द फर्स्ट बेबी इन द फैमिली ऑलवेज डज. देयर वॉज द यूजुअल अमाउंट ऑफ डिस्कशन एज टू अ नेम फॉर मी. The first baby in the family was not to be lightly named. Everybody was empathetic about that. तो हेलन का कहना है जब मैं इस दुनिया में आई तब मेरा जीवन बाकी लोगों की तरह ही आम था. मतलब जैसे एक बच्चा जब पैदा होता है फैमिली में सब लोग उस बच्चे को लेके बहुत एक्साइटेड होते हैं, कैसे उसका ध्यान रखें, उसको किस नाम से बुलाएं, उसके लिए क्या करें कि वो बच्चा हमेशा खुश रहे, हैप्पी रहे, उसी तरह सब लोग हेलन के पैदा होने पे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे. वो भी अपनी फैमिली की पहली संतान थी और इसीलिए उनके जो भी घर वाले थे वो हमेशा उनको सराखों पे बिठाते थे और हमेशा उनके इर्द गिर्द घूमते रहते क्या नाम रखा जाए, पहली संतान है, नाम बहुत अच्छा सा होना चाहिए, क्या हेलन को अच्छा लगेगा, इन सब चीज़ों में ही वो लोग हमेशा खोए हुए रहते थे या चर्चा करते रहते थे. My father suggested the name Mildred Campbell, an ancestor whom he highly esteemed, and he declined to take any further part in the discussion. My mother solved the problem by giving it as her wish that I should be called after her mother, whose maiden name was Helen Everett. But in excitement of carrying me to the church, my father lost the name on the way very naturally. Since it was one in which he had declined to have a part. When the minister asked him for it, he just remembered that it had been decided to call me after my grandfather and he gave her name as Helen Adams. So finally, क्या हुआ? जब
नाम रखने की बात आई तो हेलेन के पिता ने उनका नाम कुछ और सोचा था, उन्होंने हेलेन नहीं सोचा था। उन्होंने क्या सोचा था? उन्होंने सोचा था माइल्ड्रेड कैंपबेल। ठीक है, माइल्ड्रेड कैंपबेल बेसिकली हेलेन के ही एक पूर्वज थे। ठीक है, हेलेन के एक पूर्वज थे जो उनको उनके पिता बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे या जिनको बहुत पसंद करते थे। और उन्होंने कहा कि इस बात पे कोई डिस्कशन नहीं होगा, मेरी बेटी का नाम जो है माइल्ड्रेड कैंपबेल ही होगा। लेकिन लेटर ऑन उनकी माता यानी हेलेन की जो मम्मी थी केट एडम्स केलर ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। उन्होंने कहा क्यों ना हेलेन का नाम उनकी ग्रैंड मदर यानी आपकी माता के नाम पर रखा जाए। ऑलराइट, यानी हेलेन की जो दादी थी उनका नाम था हेलेन। ठीक है, तो उन्होंने कहा क्यों ना हेलेन का नाम भी, मतलब हमारी बच्ची का नाम भी उसकी दादी माँ के नाम पे ही रखा जाए। अब चर्च ले जाते वक्त जब नामकरण की सेरेमनी हुई तो चर्च ले जाना पड़ा बिकॉज शी वॉज अ क्रिश्चियन। तो चर्च ले जाते समय रास्ते में उनके पिता नाम भूल गए। उन्हें बस इतना ही याद था कि उनकी वाइफ ने सजेस्ट किया था कि उनकी माता के नाम पे यानी हेलेन की दादी के नाम से ही हेलेन का नाम रखा जाए। तो जब चर्च में फादर यानी प्रीस्ट ने पूछा, पुजारी जी ने पूछा कि क्या नाम सोचा है बच्चे का, तब उनके मुंह से एकाएक हेलेन एडम्स निकल गया और इस तरीके से हेलेन का नाम हेलेन एडम्स केलर पड़ गया। I am told that while I was still in long dresses, I showed many signs of an eager, self-ascertaining disposition. Everything that I saw other people do, I insisted upon imitating. अब उनका कहना है कि जब मैं बचपन में छोटी थी, मैं हमेशा जो है बहुत ज़्यादा energetic थी और हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती थी। जैसे कि मेरे आसपास में जिन भी लोगों को ऑब्जर्व करती थी, मैं हमेशा उनकी नकल उतारने की कोशिश करती थी या उनको इमिटेट करने की कोशिश करती थी। जिसको मैं जो करते हुए देखती थी, मैं भी उसी की तरह वैसा ही करने की कोशिश करती थी। एट सिक्स मंथ्स कुड पाइप आउट हाउ अ डाई एंड वन डे आई अट्रैक्टेड एवरीवन्स अटेंशन बाय सेइंग टी 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 क्वाइट प्लेनली। इवन आफ्टर माय इलनेस आई रिमेंबर्ड वन ऑफ द वर्ड्स आई हैड लर्नड इन early months. It was the word water and I continued to make same sound for that word after all other speech was lost. I ceased making the sound wah wah only when I learned to spell the word. So basically हेलेन का कहना है जब तक बचपन में काफ़ी पहले ही उनकी जो है दृष्टि और सुनने की शक्ति खो गई थी, लेकिन जब तक जितने भी थोड़े समय के लिए वो देख सकती थी या सुन सकती थी, वो एक क्विक लर्नर थी। वो बहुत जल्दी जो है लोगों को बोलते हुए या सुनते हुए या देख देख के ही चीज़ें सीख जाती थी। जैसे 6 महीने में ही उन्होंने छोटे छोटे शब्द बोलने सीख लिए थे, जैसे हाउ ड्राई एंड टी, ये वर्ड्स वो ऑलमोस्ट 6 महीने की उम्र में ही सीख चुकी थी। और उनकी बीमार होने से पहले, जब वो बीमार पड़ी उसके बाद उनकी दृष्टि गई, तो उनके बीमार होने से पहले उन्होंने वाटर नाम का शब्द भी थोड़ा बहुत सीख लिया था और कई सालों तक उन्होंने उस शब्द को बार बार रिपीट किया, बार बार दोहराती हुई चली गई। दे टोल्ड मी आई वॉक दैट डे आई वॉज अ ईयर ओल्ड। माई मदर हैड जस्ट टेकन मी आउट ऑफ द बाथटब एंड वॉज होल्डिंग मी इन हर लैप व्हेन आई वॉज सडनली अट्रैक्टेड बाई द फ्लिकरिंग शेडोज ऑफ द लीव्स that danced in the sunlight on smooth floor. I slipped from my mother's lap and almost ran towards them. The impulse gone, I fell down and cried for her to take up me in her arms. हेलेन कहती है कि मेरे जो पिता हैं इन सब ने मुझे बताया है कि जब मैं 1 साल की थी, एग्जैक्ट 1 साल की, तब मैंने चलना भी सीख लिया था। एक दिन मेरी माँ मुझे नहला रही थी और नहलाने के बाद मुझे लेके जो है बैठी हुई थी कि अचानक मैंने देखा वो जो पत्ते हैं, गार्डन के जो पत्ते हैं, उनका शेडो जो है हमारे बरामदे में गिर रहा है। और मैं उन्हें देख के इतनी एक्साइटेड हो गई कि मैं उन्हें पकड़ने के लिए अपनी मम्मी की गोद से निकलकर उनकी तरफ दौड़ने लगी और दौड़ते दौड़ते एकदम से अनबैलेंस होकर गिर पड़ी और रोने लगी कि मम्मी आकर मुझे गोद में उठा दें। तो ये मेरा पहला इंसिडेंट था जब मैंने चलना शुरू किया। These happy days did not last long.
One brief spring musical with the song of robin and mockingbird, one summer rich in fruit and roses, one autumn of gold and crimson, spent and left their gifts at the feet of an eager, delighted child. Then in the dreary month of February came the illness which closed my eyes and ears and plunged me into the unconsciousness of a newborn baby. So, उनका कहना है कि कई साल तक मैंने ये सारी चीज़ें enjoy नहीं की हैं. मैंने सिर्फ एक समर, मतलब दो समर सीज़न देखे, एक स्प्रिंग सीज़न देखा है और एक ही ऑटम सीज़न देखा है. और उसके बाद आया फेब्रुवरी का मंथ, यानी डेढ़ साल के बाद. हेलेन जब डेढ़ साल की थी तब वो बहुत बीमार हो गई. फेब्रुवरी का महीना था जब वो बहुत बीमार हुई और बीमारी के चलते उन्हें इतनी तेज़ बुखार हुआ कि बुखार के चलते उनके ब्रेन पर जो है वो फीवर चढ़ गया, यानी बुखार जो है उनके ब्रेन के नर्व्स को इफ़ेक्ट कर गया और वो छोटी सी बच्ची जो है अपनी देखने की और सुनने की शक्ति गंवा बैठी और बिल्कुल एक जन्मा, जो बिल्कुल नया बच्चा होता है ना, जो पहली बार पैदा होता है, क्योंकि जो छोटा बेबी होता है, बिल्कुल जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसकी आंखें ज़्यादातर बंद रहती हैं, वो एकदम से बार बार खोलता नहीं है. तो हेलेन की भी वैसे ही हालत हो गई. दे कॉल्ड इट अक्यूट कंजेशन ऑफ द स्टमक एंड ब्रेन. द डॉक्टर थॉट आई कुड नॉट लिव. अर्ली वन मॉर्निंग हाउएवर द फीवर लेफ्ट मी एज सडनली एंड मिस्टीरियसली एज इट हैड कम. There was great rejoicing in the family that morning, but no one, not even the doctor, knew that I would never see or hear again. उनका कहना था शुरू में जब उनको बुखार हुआ तब डॉक्टर्स ने ऑलमोस्ट जो है वो उम्मीद छोड़ दी थी. They had left all the hope that Helen would survive. उनका कहना था कि डॉक्टर्स का मानना था कि इतनी छोटी बच्ची को इतना बुखार हुआ है तो वो शायद इस बुखार को झेल नहीं पाएगी और बहुत जल्दी ही मर जाएगी. लेकिन एक दिन अचानक ही, मतलब अद्भुत एक चमत्कार हुआ कि हेलेन का बुखार अपने आप ही गायब हो गया उसे छोड़ के. ऐसा लगा जैसे बुखार घूमने आया था और अचानक ही वापस चला गया. सारी फैमिली खुश हो गई क्योंकि हेलेन सबकी प्यारी थी, लाडली थी, सब खुश होने लगे, चारों तरफ खुशियां थी. लेकिन उस वक्त ना डॉक्टर्स को ना ही हेलेन के परिवार के लोगों को ये पता था कि एक्चुअली इस बुखार ने हेलेन से उसकी देखने की और सुनने की शक्तियाँ छीन ली हैं. आई स्टिल हैव कन्फ्यूज रिकलेक्शंस ऑफ दैट इलनेस. आई स्पेशली रिमेंबर द टेंडरनेस विद विच माई मदर ट्राइड टू सूद मी इन माई वॉकिंग आवर्स ऑफ फ्रेट एंड पेन एंड द एगोनी एंड द बेवरलमेंट विच आई अवोक आफ्टर टॉसिंग हाफ स्लीप एंड टर्न माई आईज सो ड्राई एंड हॉट टू द वॉल अवे फ्रॉम द वंस लव्ड लाइट विच केम टू मी डिम एंड गेट मोर डिम ईच डे. But except these fleeting memories, if indeed they be memories, it all seems very unreal, like a nightmare. तो हेलेन का कहना है कि मुझे मेरे उस जो वो जो पीरियड था जब मैं बीमार थी उसकी बहुत ही अधूरी सी यादें याद है. मतलब कुछ चीज़ें मुझे याद हैं, कुछ चीज़ें याद नहीं हैं. जो थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे याद हैं उनसे मैं यही याद कर सकती हूँ कि जब भी मैं परेशान होती थी, बॉडी टेम्परेचर इतना हाई हो जाता था, बुखार इतना तेज़ था कि मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता था और मैं बुखार में तपते हुए तड़पती रहती थी, कभी इस साइड टर्न करती, कभी उस साइड टर्न करती, और मेरी मम्मी हमेशा मेरे पास ही बैठी रहती और वो मुझे किसी भी तरह सहलाने की कोशिश करती, मुझे आराम देने की कोशिश करती. तो वो जो केयर है, जो कंसर्न है मेरी मदर का, वो मुझे हमेशा याद है. और उसके बाद मुझे ये याद है कि कैसे धीरे 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 करते हुए वो जो खिड़कियों से रोशनी आती थी, जो कि बहुत ब्राइट थी, बहुत तेज़ रोशनी थी, वो धीरे धीरे डिम होती चली गई, यानी मेरी आँखों की रोशनी धीरे धीरे कम होते होते बिल्कुल ख़त्म हो गई. ग्रेजुअली आई गॉट यूज टू द साइलेंस एंड डार्कनेस दैट सराउंडेड मी एंड फॉरगॉट दैट इट हैड इवन बीन डिफरेंट अंटिल शी केम माई टीचर who was to set my spirit free. But during the first 19 months of my life, I had caught glimpses of broad green fields, a luminous sky, trees and flowers, which the darkness that followed could not wholly blot out. If we have once seen, the days is ours and what the day has shown. So, Helen कहती हैं कि मेरी लाइफ के इनिशियल 19 महीने, यानी जब मैं डेढ़ साल की थी लगभग,
वो जो पीरियड है वो मैंने लाइफ का सबसे जो है सुनहरा दौर देखा है, क्योंकि वो टाइम था जब मैंने दुनिया में जितने भी तरह के रंग हैं, कलरफुल लीव्स, फ्लावर्स, बर्ड्स, स्काई, वाटर, इन सब चीज़ों को देखा है और महसूस किया है, इनकी आवाज़ें सुनी हैं। लेकिन उस दौर के बाद, यानी 1.5 साल के बाद, जब मेरी ये सारी चीज़ें जो हैं ख़त्म हो गई, मतलब जब मैंने देखना बंद कर दिया, जब मैंने सुनना बंद कर दिया, तो फिर इसके बाद मेरी जो दुनिया है कम्प्लीटली क्या हो गई, अंधेरे में डूब गई। और धीरे धीरे अंधेरे में रहते रहते कई सालों बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद मैं बचपन से ही ऐसी थी, मैंने कभी शायद किसी रंग को, किसी आवाज़ को कभी महसूस ही नहीं किया। लेकिन फिर मेरी लाइफ में अचानक एक बदलाव आया, और ये बदलाव कौन लेके आई, मेरी टीचर। मेरी जो टीचर थी, शिक्षिका थी, उन्होंने वापस से मेरी ज़िंदगी में एनर्जी का संचार किया, यानी मेरी लाइफ में वो वापस से वो स्फूर्ति लेके आई, जीने की एक नई उम्मीद जगाई उन्होंने मेरी लाइफ में। और मेरी टीचर की वजह से ही आज मैं कम्प्लीटली एक चेंज्ड पर्सन हूँ। मैंने ज़िंदगी में जीने की सारी आशा और उम्मीदें छोड़ दी थी, लेकिन मेरी टीचर ने मुझे पूरा बदल के रख दिया। लोगों का मानना है कि अगर आप कोई दिन बहुत अच्छे से देख लेते हो या जी लेते हो, तो फिर वो दिन आपका हुआ। तो इसी तरह से मैं भी वो जो मेरे 1.5 साल है उन्हें मैं अपना ही मानती हूँ। मैंने उस 1.5 साल के छोटे से टाइम पीरियड में भी नेचर की ब्यूटी को बहुत अच्छे तरह से महसूस किया है। ठीक है, सो दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ हेलेन केलर्स ऑटोबायोग्राफी। उनके जीवन के शुरू के कुछ सालों की कहानी हेलेन ने हमारे साथ शेयर की है। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स गो थ्रू द वर्ड मीनिंग्स दैट आर गिवन बिलो। सो एक एक करके इनको पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं समझने की। फायोग्नेंसी मीन्स स्ट्रॉन्ग इमोशंस, ओके। फेस्टून्स मीन डेकोरेट विथ कलर्ड पेपर्स। जब हमारा बर्थडे होता है, जब हम छोटे छोटे कलरफुल पेपर्स से डेकोरेशंस करते हैं, उनको हम फेस्टून्स बोलते हैं। ट्रैक, ट्रैक का मतलब है रास्ता, नेचुरल पाथ। ड्रेरी मीन समथिंग विच इज़ वेरी बोरिंग, बहुत ही ज़्यादा मतलब मोनोटोनस, डल या बोरिंग चीज़। विविड मीन्स हैविंग डिफरेंट पिक्चर्स इन माइंड, ठीक है। फ्रेट मीन्स जब आप खुश नहीं हैं या चिंतित है, वरीड और अनहैप्पी। एनेक्स मीन्स नो एग्जीक्यूट। बेवरेज मीन्स स्टेट ऑफ बींग लॉस्ट और कन्फ्यूज, यानी जब आप कन्फ्यूजन में होते हैं, असमंजस में होते हैं, आपको समझ नहीं आता कि क्या करना है और क्या नहीं करना। एबोर मीन्स द शेल्टर ऑफ वाइन्स, यानी वो जो ग्रेप वाइन्स हैं, अंगूर के जो पेड़ हैं, उसकी जो पत्ते हैं वो। ल्यूमिनियस मीन्स समथिंग दैट इज़ शाइनिंग, कोई चीज़ जो चमकती है, ठीक है। जैसे लाइट बल्ब, ये एक ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है, क्लियर। सो दीज आर द वर्ड मीनिंग्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ इट्स टाइम टू डू द एक्सरसाइजेस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, इनको करेंगे हम लोग एक एक करके। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट वन, विच जेनर बेस्ट डिस्क्राइब्स दिस नॉवल, नॉन फिक्शन, ऑटोबायोग्राफी, फिक्शन या बायोग्राफी। ये हमारी ऑटोबायोग्राफी है, हेलेन ने खुद अपनी जीवन की कहानी को हमारे सामने प्रस्तुत किया है, इसीलिए इसको हम ऑटोबायोग्राफी बोलेंगे, ठीक है। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स हेलेन फर्स्ट 19 मंथ्स ऑफ लाइफ, एबनॉर्मल, स्पॉइल, ट्रबलसम और थ्राइविंग। अगर हम हेलेन के पहले 19 मंथ्स यानी 1.5 साल को, उनके जन्म के बाद उसको देखें, तो फिर हेलेन का जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा एक तरह से हम बोल सकते हैं थ्राइविंग है, क्योंकि इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती थी अपनी लाइफ में। उनके इर्द गिर्द जो लोग थे, उन लोगों का ध्यान भी हमेशा हेलेन पे केंद्रित रहता था, ठीक है, जैसे एक नॉर्मल बच्चे के लिए होता है। ऑलराइट, स्पॉइल्ड इसलिए नहीं बोलना चाहते क्योंकि हेलेन को जो केयर मिला है वो आमतौर पे किसी भी बच्चे को मिलेगा। घर में जब भी कोई बच्चा होता है तो इट्स वेरी नेचुरल कि सब लोग उस बच्चे पे ध्यान केंद्रित करेंगे, उसी पे सबका ध्यान रहेगा, तो इसीलिए हम स्पॉइल्ड नहीं बोलेंगे, हम थ्राइविंग बोलेंगे। ऑलराइट, क्योंकि हेलेन उस वक्त नई चीज़ों को सीख रही थी, पहचान रही थी, जानने की कोशिश कर रही थी, तो दैट इज़ वाई थ्राइविंग। थर्ड वन, व्हाट टुक हेलेन्स साइट एंड हियरिंग, एनिमल फीवर, एक्सीडेंट और कफ,
सो हेलेन को फीवर हुआ था जिसके चलते उनकी आईसाइट और हियरिंग पावर चली गई. लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ एमसीक्यू. वेयर डिड हेलेन फाइंड कम्फर्ट आफ्टर अ फिट ऑफ टेम्पर. जब हेलेन को बहुत गुस्सा आता था उसके बाद वो सुकून ढूंढते हुए कहाँ जाती थी. हमने पढ़ा था कि वो अपने गार्डन में चली जाती थी जहाँ पे उन पत्तों को टच करके उनकी ठंडक से वो अपना गुस्सा शांत करती थी. सो इन द पूल इन हर रूम विद हर मदर इन द गार्डन विद कूल लीव्स एंड ग्रास. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, इन द गार्डन विद कूल लीव्स एंड ग्रास. ओके, नाउ फिफ्थ वन. एट व्हाट एज डिड हेलेन लॉस्ट हर साइट एंड एबिलिटी टू हियर. 2 years, 19 months, 16 months और 1 year. सो 19 months इज द राइट आंसर. 19 months के बाद धीरे धीरे कम्प्लीटली ही हेलेन की जो सुनने और देखने की शक्ति है वो खत्म हो गई. Now we have fill in the blanks, so let's do it one by one. First one, Helen was born in Dash, a little town of North Albania, so Tuscumbia. Okay, all right. Next one, the little porch was the favorite haunt of Helen. Clear? Next, the beginning of Helen's life was Dash and much like every other child, was very natural, was natural, or you can say exciting also. ठीक है, and much like every other child. जैसे दूसरे बच्चों का होता है वैसे ही हेलेन ने भी शुरू के सालों को बिताया है. फोर्थ, हेलेन वॉज नेम्ड आफ्टर हर ग्रैंडमदर. उनकी दादी के नाम पर हेलेन का नाम पड़ा, ग्रैंडमदर. ओके, यानी उनके फादर की मदर, उनकी दादी के नाम पे हेलेन का नाम रखा गया. फिफ्थ, हेलेन स्टार्टेड वॉकिंग व्हेन शी वॉज 1 year old. एग्जैक्टली जिस दिन वो 1 साल की थी तब उन्होंने फर्स्ट टाइम चलना शुरू किया. तो शी स्टार्टेड वॉकिंग व्हेन शी वॉज 1 year old. तो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव नोटेड डाउन ऑल द एक्सरसाइजेस. आपने ये सब कर लिया होगा. सो नाउ वी आर डन विद दिस. देन वी हैव ट्रू एंड फॉल्स. सो लेट्स डू दिस एक्सरसाइज. एक्सरसाइज नंबर सी सेज ट्रू एंड फॉल्स. सो फर्स्ट सेंटेंस इज द प्रॉस्पेक्ट ऑफ राइटिंग एन ऑटोबायोग्राफी वॉज एक्सट्रीमली पेनफुल टू हेलेन. यस, वी कैन से येस ट्रू, बिकॉज कई जगह पे पेनफुल था. पेनफुल से भी ज़्यादा कहा जा सकता है कि वो थोड़ा ज़्यादा नर्वस थी या हेजिटेशन था उनके लिए. ठीक है. सेकेंड, हेलेन रिट्रेन्ड नो मेमोरी ऑफ एनी ऑफ द वर्ड्स दैट शी हैड लर्न बिफोर हर लिनलेस. नो शी, दिस इज फॉल्स. शी रिमेंबर्स द वर्ड टी. ठीक है. थर्ड, हेलेन वॉज स्ट्रक विद पैरालिसिस ऑफ लिम. नो, दिस इज फॉल्स. सिर्फ उनकी देखने और सुनने की शक्ति गई थी, उनके हाथ पैर बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे थे. ठीक है. फोर्थ वन, हेलेन क्लियरली रिमेंबर्ड द पेन एंड एफर्ट हर मदर हैड अंडरगॉन. गेस ट्रू, उन्हें अपनी मम्मी की सारी ही यादें बहुत अच्छे से याद हैं. फिफ्थ, आफ्टर इलनेस शी क्विकली एक्सेप्टेड हर डार्क वर्ल्ड. नो, दिस इज फॉल्स. पहले तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है उनके साथ. धीरे धीरे उनकी जो है देखने और सुनने की शक्ति खत्म हुई तो समझने में ही उन्हें बहुत टाइम लगा लेना कि वो देख नहीं सकती या सुन नहीं सकती. कई बार वो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो जाती थी. सिक्स्थ वन, द 19 months ऑफ नॉर्मलिसी हैड रिवील्ड द एंटायर ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड टू अ मच ऑफ एक्सटेंट. यस, इसको हम ट्रू बोल सकते हैं क्योंकि हाँ, हेलेन ने उसके बाद कभी भी जो है दुनिया को उस तरीके से नहीं देखा, लेकिन हाँ, उनकी टीचर ने उनकी बहुत मदद की. उन्होंने दूसरों की नज़रों से दुनिया को देखने और समझने की कोशिश की है. लेकिन अगर हम उनकी अपनी बात करें तो उन्होंने 19 महीने में ही वर्ल्ड की खूबसूरती को देखा है, जो कि उन्हें आज भी याद है. तो दैट इज़ द रीज़न वी विल पुट इट ट्रू. ऑल राइट. सो आई होप दैट चिल्ड्रन यू हैव नोटेड दिस ट्रू एंड फॉल्स ऑल्सो. सो विद दिस वी आर डन विद टूडेज सेशन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर क्वाइट वेल. आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया होगा और आपने मेरे साथ ही सारी एक्सरसाइजेस भी कर ली होंगी. सो विद दिस
We are done with today's chapter, with today's session. I will meet you again soon with a new story, with a new chapter where we would learn something new and interesting. So, bye bye and take care and stay tuned for the new video.